आपके नजदीक एक नेकलेस में और जीते जागते इंसान में कोई फर्क नहीं है? क्या फर्क है? दोनों मामलों में जिल्लत ही तो मिली। मेरा बाप मर गया और मेरे अरमान मर गए। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। ड्राइवर बता रहा था कि सुहेल तुम्हारी वजह से खुद कार ड्राइव करने लगे हैं। इसीलिए हॉस्पिटल भी नहीं आए। सच तो ये है महापारा कि तुम्हारे आगे सुहेल को कुछ भी नजर नहीं आता, ना उनकी बेटी ना उनकी बीवी। तो आप भी अपनी मॉम की तरह ये कहना चाह रही हैं कि मैंने आपके शौहर को फांस लिया है? तकलीफ तो ये कहते हुए इतनी ही होती है जितनी सोच कर होती है कि मेरा शौहर पहले दिन से तुम्हारे पीछे पागल है। बकवास। शादी की पहली रात उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे माफी मांगी। तुम ही बताओ कि तुम्हारा शौहर शादी की पहली रात तुम्हें ये सब कहता तो तुम क्या करती? आप मुझे साफ साफ बता सकती थी। और तुम मेरी शिकायत नहीं करती किसी से? तुम्हारी उस शिकायत की वजह से मुझे तलाक हो जाती। आपने तलाक के डर से मुझ पर मेरे रिश्ते हराम कर दिए। रिश्ते इंसान के जिस्म से खून का एक एक कतरा निचोड़ लेते हैं। और तुम देखो मैं किस अज़ियत में सोहेल के साथ जिंदगी गुजार रही हूं। आप तब भी गलत थी। तुम्हें मैं अब भी को निगार लगती हूं, लेकिन एक दफा मेरी जगह आकर देखो महापारा, मैं तुम्हें मजलूम लगूंगी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। सुना आपने महापारा? लेकिन मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। प्लीज मुझे मेरी बेटी लौटा दो। आप कहे ना इसे, इसे कहे कि मेरी बेटी लौटा दे। प्लीज पापा, मुझे मेरी बच्ची लौटा दो।